लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर ने यूपी में जो हाल कांग्रेस बीएसपी और सपा का किया, वही हाल केजरीवाल की आंधी ने दिल्ली में बीजेपी का कर दिया। सबसे पहले हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रीति मेनन जुड़ी हुई है स्पोक्स पर्सन आप हमारे साथ। प्रीति आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये नतीजे तो शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचे थे, आपका बेस्ट केस सिनेरियो भी 45-47 तक था, ऐसे में आपका क्या एनालिसिस है कि इतना जो भरपूर वोट मिला आपको उसकी क्या वजह रही? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारा अनुमान था 45 से 50 सीट्स का। एक एहसास था हमें कि ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी की बहुत सपोर्ट है। अनुज गुप्ता जी, अब क्योंकि स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, 67-3 यानी कि विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी नहीं आ रही है। देखिए आपके पक्ष में तो है ही है, मगर यदि भाजपा के वोट लोकसभा चुनाव की तुलना में कम हुए हैं तो कोई तो कारण होगा उसका। देखिए मैं इसको ऐसे एनालाइज करता हूं कि 18% शेड्यूल कास्ट वोटर्स और 12% मुस्लिम, वो दोनों भाजपा से विरोध के कारण एकजुट हो गए। सुधांशु मित्तल जी, आप तो खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं, हमने जो कारण गिनाए मुख्य तौर पर, आप भी इनसे सहमत हैं? पहले तो मैं प्रीति जी को बधाई देना चाहता हूं एक अभूतपूर्व विजय के लिए। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि वाकई ये कल्पना के परे था।